आशा गुल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शहरनामा, जिसमें हम एक्सप्लोर कर रहे हैं पाकिस्तान की खूबसूरती जरा मुख्तलिफ अंदाज में। हमें जाना पड़ता है मुख्तलिफ शहरों में और देखनी पड़ती हैं गलियां और उसका एक एक चप्पा। किसी भी शहर और खत्ते में दाखिल होने के लिए एक दाखिली दरवाजा हुआ करता है, और अगर माजी की बात करें तो माजी में पंजाब था दरवाजा बर्रे सगीर में दाखिल होने का, और इसे सम्मा दवार यानी कि बड़ा दरवाजा कहा जाता था। और एक और दौर था जब कश्मीर से कश्मोर तक पंजाब एक ही खित्ता था, लेकिन फिर मुख्तलिफ हुकूमतें आती गईं और इस खूबसूरत खित्ते के सीने पर मुख्तलिफ वार होते गए और ये डिवाइड होता गया। अब चूंकि बात हो रही है दाखिली दरवाजों की, तो आज हम कश्मीर में मौजूद हैं कश्मीर के दाखिली दरवाजे पर, जिसे कहा जाता है बाबे कश्मीर और ये कहलाता है भिंबर। यानी आज हम देखेंगे कि भिंबर में कश्मीर की कौन कौन सी खूबसूरतियां हैं, मिलके एक्सप्लोर करते हैं। आइए मेरे साथ। तारीख बताती है कि मुगलों के दौर में भी भिंबर को बड़ी अहमियत हासिल थी। मुगलों ने शहंशाह अकबर के दौर में इस इलाके पर अपना तसल्लुत कायम किया था। 1588 में जब शहंशाह अकबर ने कश्मीर की तरफ आना था, तो उन्होंने इसी दाखिली दरवाजे भिंबर का रुख किया और इस कदर इस खूबसूरती में खो गए, इसके असीर हो गए कि अपनी किताब तुस्के जहांगीरी में इसका जिक्र बड़े ही खास लफ्जों में किया। और तो और, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि इसको बाबे कश्मीर का लकब भी मुगलों ने दिया था। फिर 19वीं सदी में चिब्बल रियासत जो थी, वो डोगरा खानदान के राजा देहान सिंह के मातहत महाराजा गुलाब सिंह के जेर हुकूमत आ गई। और फिर एज यूजुअल यहाँ पर राज हुआ बरतानवी, और जब बरतानवी राज हुआ तो जम्मू कश्मीर में एक स्टेट जिसे प्रिंसले स्टेट कहा जाता है कायम हुई, और ये जो खूबसूरत इलाका है इसको उसमें शामिल कर दिया गया। बिलाखिर 24 अक्टूबर 1947 में ब्रिगेडियर हबीबुर रहमान ने डोगरा फौज से ये खूबसूरत इलाका आज़ाद करवाया और इसे फिर से पाकिस्तान में दाखिल कर दिया। भिंबर का इलाका अपने अंदर सदियों की तारीख समोए हुए। चूंकि ये एक दाखिली दरवाजा हुआ करता था, तो यहाँ से बड़े बड़े काफिलों और हुक्मरानों का गुजर हुआ, जिनकी सदाए बाज गश्त आज भी इस इलाके की फ़ज़ा में मौजूद। अगर देखा जाए तो माजी में भिंबर को एक रियासत का दर्जा दिया गया था, और ये इलाका 1400 से 1856 तक एक रियासत जिसे चिब्बल रियासत कहा जाता है उसका दारुल हुकूमत हुआ करता था। इस रियासत को चिब रियासत भी कहा जाता था, और ये एक शाही रियासत थी जो कांगड़ा के कटोच राजपूत राजा प्रताप चंद कटोच के बेटे चिब चंद कटोच के नाम पर कायम की गई थी। उन्नीस के बाद भिंबर जिला मीरपुर की एक तहसील थी, जिसे 1996 में एक अलग जिला का दर्जा दिया गया। आज जिला भिंबर की तीन तहसीलें हैं, जिनमें तहसील भिंबर, तहसील समाहनी और तहसील बरनाला शामिल हैं। तहसील भिंबर सराय आलमगीर, खारियां और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों के साथ लगती है। तहसील समाहनी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ है, और तहसील बरनाला हेड मराला और छम्ब के करीब वाक़ है। ये शहर नाला भिंबर के दोनों किनारों पर आबाद है। जिला भिंबर का कुल रकबा 1516 मुरब्बा किलोमीटर है। अगर भिंबर के मोहल्ले वकू की बात करें तो इसके शुमाल में जिला कोटली, मशरिक में जिला राजौरी और हिंदुस्तान के जेरे इंतजाम जम्मू कश्मीर, जनूब में पाकिस्तान के सूबा पंजाब का जिला गुजरात और मगरब में जिला मीरपुर वाके है। जिला भिंबर जरई लिहाज से अपना एक मुनफरिद और खास मकाम रखता है। यहाँ मकई, गंदम और बाजरा की वाफर काश्त की जाती है। जिला भिंबर की कुल आबादी 420,624 नफूस पर मुश्तमिल है। भिंबर शहर मुख्तलिफ बरादरियों और सकाफतों का इम्तिजाज है। यहाँ जाट, गुज्जर, राजपूत, बट, मुगल, जराल, सैयद और मलिक कबायल बड़ी तादाद में आबाद हैं, और जिला में पंजाबी जुबान के जेली लहजे पहाड़ी, गोजरी और पोठोहारी कसरत इस्तेमाल रखते हैं। खूबसूरत नजारा बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। कुदरत से भरपूर है, दूर दूर तक सिर्फ आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं। पहाड़ों में बड़े खूबसूरत घर नजर आ रहे हैं, जिनकी छतें इतनी प्यारी हैं, रंग बिरंगी। और मैं हैरान हूँ कि यार ये लोग कितने खुशकिस्मत हैं यहाँ पर रहते हैं, और हम लोगों को इतना
कितना दूर का सफर करके यहाँ पर आना पड़ता है। जब मैं भिम्बर शहर में थी तब मुझे ये था कि यार इतनी ज्यादा गर्मी है आज कैसे शो होगा, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं खूबसूरती में भी इजाफा होता जा रहा है और मौसम भी बड़ा कूल डाउन होता जा रहा है। और इस वक्त हम जा रहे हैं समानी की तरफ। ये भिम्बर की तहसील है और समानी है जो तारीखी खूबसूरतियों से भरपूर तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ कुदरती खूबसूरतियाँ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। आपको यहाँ पर इस पूरे इलाके में सराय मिलेंगे, कले मिलेंगे और मसाजिद, मंदिर, गुरुद्वारे, बहुत कुछ है। ये इलाका ना सिर्फ कुदरती खूबसूरती से भरपूर है बल्कि तारीखी खूबसूरती से भी। तो मैं जा रही हूँ समानी की तरफ क्योंकि भिम्बर की जो वजह शोहरत है वो है यहाँ का एक यादगार मज़ार हज़रत बाबा शादी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का। तो अब हम लोग पहले उधर जाएंगे, फातह खानी करेंगे, उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे इस खूबसूरत ज़िले भिम्बर को। नाज़रीन, कश्मीर की जन्नत नज़ीर वादी को औलिया की सरजमीन भी कहा जाता है और अल्लामा इकबाल ने इसे एराने सगीर के नाम से पुकारा है। ये सरजमीन औलिया और सूफिया से हमेशा समरावर रही क्योंकि यहाँ पर बुजुर्गाने दीन हर दौर में मौजूद थे जिन्होंने तसव्वुफ़ की तबलीग की और लोगों के दिलों में मार्फत के चिराग जलाए और दीनी मोहब्बत से कश्मीर की वादियों को इस्लाम की अबदी मोहब्बत से मानूस करवाया। इस वक्त मैं जंडी चौंतरा में हज़रत बाबा शादी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर मौजूद हूँ। आप चिब्बल रियासत के वो पहले फ़र्द थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। आपका पुराना नाम राजा धर्मचंद चिब था और इस्लाम कबूल करने के बाद आपको राजा शादाब खान के नाम से जाना जाने लगा। इस्लामी खिदमात के इवज़ आपको बाबा शादी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का लकब भी मिला। आइए मज़ार के अंदर चलते हैं और मैं आपको बाबा जी के बारे में मज़ीद कुछ बताती हूँ। अल्लाह पाक ने आपके हाथ में इस कदर शिफा रखी थी कि आपके चर्चे दिल्ली तक थे। जब बादशाह बाबर बीमार हुए तो उन्होंने दरख्वास्त की कि मेरा इलाज बाबा शादी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ही करेंगे और इनाम के तौर पर आपने अपनी बेटी को बाबा जी से ब्याह दिया। आप मुग़ल हुक्मरान बाबर, हुमायूं और अकबर के हम असर और जागीरदार थे। इसके साथ साथ आप जम्मू कश्मीर के अज़ला भिम्बर, मीरपुर और नौशेरा में कई अरसा तक हुकूमत करते रहे। इसके साथ साथ आप एक दौर में कश्मीर के गवर्नर भी रहे, लेकिन बाबा जी ने इन सब एक्टिविटीज़ के साथ साथ अपना बहुत सारा वक्त अल्लाह ताला की याद में गुजारा और इस वक्त मैं आपकी आखिरी आरामगाह पर मौजूद हूँ। आइए मिलकर फातह खानी करते हैं। ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ
आफ्टर द ब्रेक। व्यूअर्स, ब्रेक का हमने फायदा उठाया और जंडी चौंतरा से ट्रेवल करते करते हम पहुंच चुके हैं समानी में। और समानी भिंबर की वो खूबसूरत तहसील है जो ना सिर्फ अपने कुदरती हुस्न की वजह से मशहूर है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारा तारीखी विरसा मौजूद है, जिसमें बावलियाँ हैं, सराय हैं और पता नहीं क्या क्या है, जो हम आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। तो इस वक्त मैंने सोचा, मैं थक चुकी हूँ। शाही लोग क्या करते थे, कयाम करते थे, पड़ाव डालते थे सराय पे और वहां जाके सस्ताते थे, अपने सफर को एंजॉय करते थे। मैंने सोचा सांस लेने के लिए हम भी किसी शाही सराय की तरफ चलते हैं। तो अब मैं आपको लेके जा रही हूँ एक ऐसे सराय की तरफ जो कि सैकड़ों सालों से मौजूद है, और जाके देखते हैं कि आज वो अपने किस हाल में है, उसको हमारी कितनी जरूरत है। आइए मेरे साथ। इस वक्त मैं कश्मीर भिंबर के महल्ले वकू की एक बहुत ही खूबसूरत समानी तहसील है यहाँ पर मौजूद हूँ। और समानी तहसील की एक बहुत ही खूबसूरत यादगार जो कि एक तारीखी यादगार है, ये है वो सराय जो मुगल दौर का है और आज हम आपको दिखा रहे हैं। इस सराय को साद आबाद भी कहा जाता है और ये सराय जमाने के थपेड़ों का बहुत बुरी तरह शिकार हुआ है, लेकिन आज भी बेचारा अपनी आबोताब के साथ खड़े रहने की कोशिश में है। तो ये ऐसा सराय है कि यहाँ से बहुत सारे बड़े बड़े काफलों का गुजर हुआ करता था, मुसाफिर गुजरा करते थे तो यहाँ पर कयाम किया करते थे, क्योंकि सराय का मकसद ही ये हुआ करता था, बड़े बड़े बादशाह का गुजरना और ये यहाँ पर पड़ाव डालना, ये एक उनका अपना ही स्टाइल हुआ करता था रस्ते में स्टे करने का। और अगर देखा जाए तो ये एक जहांगीरी गुजरगाह थी जो दिल्ली से लाहौर, फिर सियालकोट और भिंबर से होती हुई यहाँ निकलती थी और उसके बाद फिर यहाँ से आगे नारियाँ है, नौशहरा है, फिर उसके अलावा राजौरी, फिर ये पूंछ तक जाती थी। तो ये वो सराय है जिसे सादाबाद कहा जाता है। अभी तो हम इसके बैरूनी जो रास्ता है वहाँ पर खड़े हैं, अभी मैं इसके अंदर जाऊँगी और देखूँगी कि अपने किस हाल तक मौजूद है। आइए मेरे साथ। इन सब तारीखी चीज़ों को देख के इतनी हैरानी होती है कि ये इतने सैकड़ों सालों बाद भी कैसे कायम और दायम होती हैं। तो उसकी वजह एक तो ये है कि वो लोग ईमानदार थे और मटेरियल अच्छा यूज़ करते थे। हमारे आज के जो कंस्ट्रक्टर्स हैं ना, वो मटेरियल नहीं अच्छा यूज़ करते। अब अगर आप इस दीवार को देखें, एक तो इसकी चौड़ाई माननी है, मतलब इतनी चौड़ी दीवार, हमारे आजकल इतनी सी दीवार होती है। इस वक्त मैं इस सराय के सहन में मौजूद हूँ, ये चार दीवारी है और ये अपनी असल हालत में मौजूद है। और ये किसका हिस्सा जो है वो मुनहदिम हो चुका है, अगर देखें तो ये सहन इतना खूबसूरत और इतना बड़ा है, कुशादा। और ये जो पीछे आपको नज़र आ रहे हैं, थोड़ी सी ये पहाड़ी टाइप लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे वो चोटी सी होती है। तो ये ऊंचे करके ज़रा कमरे बनाए हुए हैं और यहाँ पर मुसाफिर स्टे किया करते थे। और मैं ये सोच रही हूँ कि मैदानी इलाकों में ऐसी कंस्ट्रक्शन करना बहुत आसान होता है, जैसे आपको मैंने बहुत सारे मैदानी इलाकों की तारीखी ऐसी चीज़ें दिखाई जिसमें कले थे, जिसमें ऐसे सराय या बावलियाँ थी, लेकिन ऐसे पहाड़ों में दुनिया से बिल्कुल दूर हट कर, वो भी कश्मीर के पहाड़ों में आप आके ऐसी कंस्ट्रक्शन करें तो बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन बादशाहों को कौन रोक सकता है, जब उन्होंने अज़्म कर लिया, इरादा कर लिया तो वो करके ही रहते थे। लेकिन ये भी तो देखें ना कि आज हम उन्हें याद भी रखते हैं कि उनकी कंस्ट्रक्शंस कैसी थी। अब अगर देखा जाए, ये हमारा एक विरसा भी है और ख़जाना भी है, लेकिन हम लोग इनको इग्नोर करते जा रहे हैं जिसकी वजह से ये मुनहदिम होते जा रहे हैं। तो ये हुकूमत को चाहिए और जो इनसे कनेक्टेड महकमे हैं उनको चाहिए कि इनका ख्याल रखें, थोड़ा सा पैसा और थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। लेकिन ये ख़जाने ऐसे हैं कि हमारे आने वाली नस्लों के लिए भी ये यादगार के तौर पर काम करेंगे। और यहाँ पर बैठना और यहाँ पर सोचें, टूरिस्ट आ रहे हो पाकिस्तान से, बाहर से, और यहाँ बैठें और यहाँ पर वो रात का मंज़र इंजॉय करें जब आसमान पर तारे गिने, चांद की 14वीं रात को देखें, तो बड़ा सुहाना मंज़र होता होगा। बादशाह वगैरह तो ये इंजॉय करके जा चुके हैं, अब हमने करना है, हम कैसे कर सकते हैं अगर हुकूमत हमारा साथ दे और इन ख़जानों को बचा ले।
ਆ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਤਰਫ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਊਅਰਸ ਮੇਰਾ ਕਾਂਟਾ ਵੀ ਫਸ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਜੰਗਲੀ ਰਸਤੋਂ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰੇਂਗੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਗਾ ਇਹ ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ मैंने अचानक से आइडिया सोचा कि ये रास्ता क्यों ना आपको दिखाया जाए। ये वो रास्ता है जब पहाड़ों से पानी आता है, बारिश का पानी आता है तो पहाड़ों से होता हुआ अपना रास्ता बनाता है और एंड तक जाता है किसी दरिया में, किसी खूबसूरत नदी में। तो आज जो मैं आपको इस वक्त खूबसूरत शाहकार दिखाने वाली हूँ उसके बारे में आपको थोड़ा बताती चलूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा छुपा हुआ शाहकार है। आपको रास्ता समझाए देती हूँ ताकि जब आपने आना हो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, तो आप भी तो इन्जॉय कर सकें। जैसे मैंने अभी आपको सराया दिखाया, वो था जी बंडाला में, समानी का एक बहुत ही खूबसूरत इलाका। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ सधेड़ी गांव में, जो बंडाला से चंद किलोमीटर के फासले पर है। और तुसी देख लो कि तुहानू विखाण वास्ते असीं किहड़े किहड़े रस्ते नू एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो व्यूअर्स इस वक्त हम सधेड़ी गांव में हैं और यहाँ पर ये सारे रस्ते से होते हुए, ये चंद किलोमीटर के फासले पर ये सारे रस्ते से होते हुए हम जाएंगे एक वाटरफॉल में जो कि छुपी हुई है। खुशकिस्मत लोगों को ही वो वाटरफॉल का पता चलता है और आज आप भी मेरे साथ होने वाले हैं खुशकिस्मत। और ऐसी ऐसी चीज़ें अगर आपने इंजॉय करनी है तो मेरी तरह एडवेंचरस रस्तों से आया करें। सूट तो वैसे मेरा एडवेंचरस ज़रा भी नहीं है, क्या करें, हर चीज़ को देखना होता है, ब्यूटी भी और एडवेंचर भी। लेकिन ये है कि मज़ा आता है जब आपके दुपट्टा, आपका आंचल, आपके कांटे इधर उधर फंसते हैं ना। लेकिन आपने बताना ज़रूर है कि ये जो रास्ता मैंने अपनाया वो कैसा लगा। अब चलते हैं हम सधेड़ी वाटरफॉल पे, क्योंकि इतना बोल के बहुत प्यास लगी है और हमें पता है कि चश्मों का और वाटरफॉल्स का जो पानी होता है वो मीठा और ठंडा होता है। आइए मेरे साथ। चुकी हूँ सधेड़ी वाटरफॉल से थोड़ा सा दूर, क्योंकि अभी वाटरफॉल का जो नजारा है वो थोड़ा सा दूर है। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ तक आने के लिए मैं बहुत ऊपर से बहुत नीचे आई हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो वाटरफ्लो होता है वो हमेशा ढलवान की तरफ होता है। तो अब मैं बस अपना रास्ता ढूंढ रही हूँ, क्योंकि वाटरफॉल के लिए आपको थोड़ा सा ना कष्ट करना पड़ेगा। ये रास्ता थोड़ा कठिन है लेकिन मैं पार कर लूंगी, क्योंकि नजारा इतना खूबसूरत है और मैं ये देख रही हूँ पानी इतना शफाफ है, इसके अंदर इतनी प्यारी प्यारी मछलियाँ, क्रैब्स। मैंने आज तक लाइव क्रैब नहीं देखा था, मुझे वो भी नजर आया। मैं उसको कैप्चर करने ही वाली थी लेकिन वो डर के जल्दी से पत्थरों के नीचे घुस गया। तो अब मैं जा रही हूँ वाटरफॉल की तरफ और बस रास्ता ढूंढ रही हूँ, कोई समझ नहीं आ रही कहाँ से जाऊँ। लेकिन ये है कि मैंने जूता, मुझे उतार देना चाहिए था, लेकिन आगे जाने के लिए मैं जूता वैसे उतार दूंगी। अरे अल्लाह, तो यहाँ पर भी रास्ता मुक गया है, लेकिन कोई बात नहीं, रास्ता हम ढूंढ लेंगे, बनाएंगे और हम जाएंगे। वाह वाह वाह, कितनी प्यारी मछलियाँ लग रही हैं, ये ना हो कि मैं इन मछलियों का हिस्सा बन जाऊं, ये बात। तो आइए थोड़ा आगे चलते हैं और वाटरफॉल पर आपसे मिलते हैं और देखते हैं कि अल्लाह ताला ने उसको कितना खूबसूरत बनाया है। तजस्सुस कायम रखना चाहती हूँ, मैं उस वाटरफॉल तक जा ही नहीं रही क्योंकि रस्ते में इतने प्यारे प्यारे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। तो सोचें फाइनल नज़ारा, फाइनल मंजिल आज क्या होने वाली है। मैं ये सोचती थी कि यार ये जितने भी फिल्म आर्टिस्ट होते हैं ये फिल्में पहाड़ों में, झीलों में, दरियाओं में, ऐसे नदी नालों में क्यों करते थे। तो भाई इसमें आपको एक तो कुदरती लोकेशन मिल जाती थी, दूसरा क्या मिलता था आपको, ठंडक, एहसास, फील जो इस वक्त मैं महसूस कर रही हूँ। और मेरा यहाँ से जाने को ज़रा भी दिल नहीं कर रहा, मेरा दिल कर रहा है यहीं पे पानी में पाँव भिगोए, हाथ भिगोए, बालों को भिगोए, खुद को एंजॉय करूँ, कुदरत को एंजॉय करूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कि मैं इस काबिल हूँ, अल्लाह ने मुझ पर इतना करम किया और आप पे भी कि मेरे वजह से आप लोग ये सब नज़ारे देख पा रहे हैं। लेकिन इन नज़ारों की जो लाइव ब्यूटी है ना, वो आप यकीन करें कैमरा ब्यूटी भी नहीं है। तो आपको भी पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ये है मेरा प्यारा खूबसूरत पाकिस्तान और
उसका खास इलाका कश्मीर, जन्नत किसी वजह से इसको कहा जाता है। और ये खूबसूरत सी जगह देख के मेरे जहन में एक गाना आया पाकिस्तानी, वैसे तो वो महबूब के लिए है लेकिन इस वक्त ये नज़ारा मेरा महबूब है भाई, तो मैं तो इसको डेडिकेट करने लगी हूँ। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, देखो ये बहार ये रुक ये नजारे, छोटी सी ये वादी भी कितनी हसी है, कैसे जाने दो मैं तुझे जाने वाले, मेरा दिल मेरे ही बस में नहीं है, आएगा ना लौट के समय सुहाना, रख दिया मैंने अपना दिल इसके कदमों में मेरे व्यूअर्स। अब चलते हैं अपने फाइनल नज़ारे की तरफ और फिर आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट खूबसूरत तरीन स्पॉट पे। होगी लेकिन इतना यकीन नहीं था, यहाँ आके तो मैं हैरान हो गई हूँ कि क्या नजारा है कुदरत का, कैसे पानी बह रहा है। और मजे की बात ये कि इस वॉटरफॉल का बहुत कम लोगों को पता है, यहाँ सिर्फ रिहायशियों को पता होगा, इसीलिए इसे हिडन वॉटरफॉल कहा जाता है यहाँ की लैंग्वेज में। और व्यूअर्स, इस यहाँ आने से पहले जो मैंने आपको एक रास्ता दिखाया पानी का, वैसे तो वो नाले होते हैं लेकिन एक जो मकामी जबान है उस लैंग्वेज में उसको कस कहा जाता है, और वो कस को पार करते 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 मैं पहुंच चुकी हूँ सदेड़ी वाटरफॉल। मुझे नहीं लगता कि किसी और प्रोग्राम में आपको ऐसे कुदरत के नज़ारे, ऐसे शाहकार कोई इस अंदाज से दिखाता होगा। हम आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे और ये तमाम कुदरत की खूबसूरती देख के सिर्फ एक ही लफ्ज़ ज़हन में आता है और वो है सुभान अल्लाह। तो व्यूअर्स, इस खूबसूरत नजारे का एंजॉय करते हैं मिलके, आइए मेरे साथ। भिंबर की सैर करते करते यहाँ के कुछ लोगों से पता चला कि यहाँ पर ना एक बहुत ही अजीबोगरीब जगह है, तारीखी भी है लेकिन पुरसरार भी है, और इस वक्त मैं उसी जगह में मौजूद हूँ। सोने के खेत में, क्योंकि गंदम अगर ऐसी गोल्डन हो ना तो उसे सोने की बालियां कहा जाता है, और वैसे ही ये मतलब पंजाब की शान तो है ही, लेकिन आज चूंकि आप भिंबर में हैं तो मैं देख रही थी कि मैं कहीं भी जा रही हूँ, चाहे वो तारीखी मकाम है, चाहे कोई बाजार है, मतलब कहीं से भी गुजरते हुए मुझे हर जगह पर ये गंदम के खेत नज़र आ रहे थे। तो मैंने कहा यार ऐसा कौन सा आज कल के दौर में अमीर ज़्यादा है जिसने पूरे भिंबर को सोना बनाया हुआ है। तो मुझे पता चला यहाँ से इन्वेस्टिगेट करके कि यहाँ पे जो आबादी है, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, वो क्या करते हैं कि अपने घर के साथ साथ छोटे छोटे जो उनके खेत हैं उनमें गंदम लगाई हुई है। ना सिर्फ गंदम लगाई हुई है बल्कि घर में इस्तेमाल होने वाली सब्जियाँ, टमाटर, प्याज और जो मौसमी सब्जियाँ होती हैं वो भी लगा रखी हैं। तो बड़ा मुझे अच्छा लगा क्योंकि हमारे बहुत कम हो गया है ये, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग बाज़ारों की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। ठीक है, रेडीमेड चीज़ मिल रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हाथ से लगाई हुई चीज़ अगर आपको अवेलेबल होगी और वो इतनी हेल्दी होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्या खूबसूरत सोने की बाली है, पता चल रहा है कि इसमें से जो आटा निकलेगा ना हेल्दी होगा और ताकत से भरपूर होगा। तो व्यूअर्स, ये भिंबर की अभी तक सरजमीन पे तो मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी है, मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं। और अगर देखा जाए ना तो मुग़लों के दौर से किचन गार्डनिंग का जो है वो आगाज़ हुआ था, जो उनकी वाइफ थी बादशाह अकबर की, जोधा अकबर, उसने क्या किया था कि अपने घर में ही यानी अपने महल में ही
ये सब्जियां और इस तरह की चीजें लगाना शुरू की क्योंकि उन्हें लगता था कि ये हेल्दी हैं और वही वो बादशाह अकबर को खिलाया करती थी, इसीलिए अकबर अजीम के इतने चर्चे भी हैं। तो आई थिंक ये किचन गार्डनिंग जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है और आने वाला दौर भी कह रहा है कि भाई अपने घर में सब कुछ लगाओ क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो इस वक्त आप इस खूबसूरत सोने के खेत का नज़ारा करें और मैं भी इंजॉय कर रही हूँ। भिंबर की सैर करते करते यहाँ के कुछ लोगों से पता चला कि यहाँ पर ना एक बहुत ही अजीबोगरीब जगह है। तारीखी भी है लेकिन पुरसरार भी है और इस वक्त मैं उसी जगह में मौजूद हूँ। इसे गार कहा जाता है और ये एक ऐसी गार है जो किसी दौर में यहाँ पर परियां उतरने का सबूत देती है, यहाँ के लोगों का कहना है। तो मैंने सोचा कि मैं इस जगह पर आऊँ और आपको दिखाऊँ कि ये जगह कैसी है, वाकई यहाँ परियां उतरती थी या नहीं कोई ऐसे आसार। लेकिन ये बिल्डिंग देखते हुए, ये तामीर देखते हुए ऐसा लगता है कि ये किसी मुग़ल दौर की याद है। उसके साथ साथ अगर आपको याद हो, टैक्सिला में मैंने आपको कुछ ऐसे स्टूपाज, वो उनके अंदर ऐसी जगह बनी हुई थी जहाँ पर लोग इबादत करते थे, उनके मंक्स। तो अकेले रहने के लिए, कुदरत के करीब होने के लिए भी लोग माजी में ऐसी जगहों पर जाते थे। और यहाँ पर वैसे ना अजीबोगरीब कीड़े देखने को मुझे मिल रहे हैं और देख के ना ख़ारिश भी होना शुरू हो गई है। तो ये रिस्की काम है, जब भी आप आए तो आपने पूरी टेक केयर करते हुए यहाँ पर आना है। हम तो अब रिस्क लेके आ गए हैं कि देखें तो सही आखिर क्या है, परियाँ शायद मिली जाएँ। तो मुझे लगता है यहाँ पर पापा की परियों के अलावा और कोई नहीं आ सकता। तो जगह भी बहुत तंग है इसलिए क्या है, कुछ मुझे ऐसी फीलिंग आ रही यहाँ पर कुछ है। तो मुझे वैसे वो ठंडक भी फील हो रही है। लोगों का कहना है ना कि जहाँ पर कोई चुड़ैल हो, जिन्नात हो, परियां हो, वहाँ पे ठंडक होती है। तो पता नहीं ये ठंडक वही वाली ठंडक है कि ये पहाड़ों के नीचे ही इमारत है इसलिए ठंड है यहाँ पर। अगर ये चीज़ देखें आप, वैसे फिल वक्त तो लोगों ने कूड़ा चूड़ा फेंक के ना इसको आम सा कर दिया है, लेकिन बड़ी अजीबो गरीब सी है। तो हो सकता है यहाँ परियाँ आती हों, तो किसी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। आप यहाँ क्या करने आए हैं? जी चप्पल ये मकान देखना है। आप इस उम्र में परियां ढूंढ के क्या करेंगे? ये परियां पुराने दौरों की, चिमड़ गई ना तो फिर छोड़ेंगी नहीं। तो परियों वाली कहानी है या नहीं? मेरे पास नहीं। अच्छा आप कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर लोगों ने कहा है परियां हैं, यहाँ पर आती हैं, हमने नहीं है। अच्छा अब नहीं है, पहले हुआ करती थी। पहले। तो फिर आप यहाँ क्या करने आए हैं? ये पकने बस आए हैं, शौक है। अच्छा गर्मी में आते हैं, रहते हैं। हाँ ठंडक है यहाँ, ठंडा। और अभी मैं वहाँ से गुजर रही तो काले रंग का बिच्छू भी नजर आया मुझे। जी है, बिच्छू वगैरह है। सही, तो ठीक है फिर आप विजिट करें, हमने भी देख लिया, खौफनाक सी है वैसे ध्यान से। बाबा जी से बिहाइंड द कैमरा बात करके पता चला कि उनका जो प्रोफेशन है, मशगला है, वो है चक्की का काम करना। मैं किस चक्की की बात कर रही हूँ? आपने तो आज तक चक्की सुनी होगी कि कैदी जेल में चक्की पीसेगा, आटा बनेगा। है तो ये वही चक्की, लेकिन ये एक मुख्तलिफ चक्की है जो आज तक मैंने तो ना देख रखी थी और आई थिंक बहुत से आप लोगों में से लोग होंगे जिन्होंने नहीं देखी होगी। बिजली की चक्की आपने सुनी होगी, शहरों में अब तो हर जगह पर आम है और आपको दो मिनट में आटा मिल जाता है। लेकिन ये जो चक्की है इसकी खास बात ये है कि ये पन चक्की है, यानी ये पानी से चलने वाली चक्की है। मैंने अभी देखा है कि बाहर ये जो कुटिया बाबा जी ने छोटी सी बना रखी है, ये एक नाले के बिल्कुल करीब है, वहाँ से पानी आ रहा है। आपको पता है कि जब पानी को ऊंचाई से गिराया जाता है, बिल्कुल डैम वाला प्रोसीजर है, पानी को ऊंचाई से गिराते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, शाफ्ट चलते हैं, सर्कल्स चलते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे ही बिल्कुल मेरे सामने बाबा जी ने बाहर से वो पानी का कनेक्शन खोला है, पानी गिरा है और मैं अंदर आई हूँ तो वो चक्की चलना शुरू हो गई है। और बाबा जी ने बड़े टेक्निकल वे में उसको रखा है कि वो रॉड सा लोहे का निकालते हैं और चक्की चलना शुरू हो जाती है, रॉड डालते हैं चक्की बंद हो जाती है। ये देखें यहाँ पर इन्होंने आटा डाला है और ये एक तोड़ा या बोरी जिसे कहते हैं, वो आटे की इन्होंने पूरी डाल दी है। और अगर हम शहरों में जाते हैं एक पूरी बोरी जो होती है आटे की लेके, तो वो तकरीबन 5 से 10 मिनट में हमें आटे का पाउडर सा बना के चुटकियों में दे देते हैं जो कि हेल्दी नहीं होता।
और ये जो आटा है ये एक मोटा आटा होता है, आपको पता है इसे लाल आटा बोलते हैं और मोटा आटा होता है, और इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे मिनरल्स होते हैं, कुछ भी निकाला नहीं जाता, एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता, इसलिए बहुत ऑर्गेनिक और हेल्दी होता है। और फिर क्या होता है कि ये जो आटा है यहाँ पर, ये कम अज़ कम 1.5 से 2 घंटे में बनाया जाता है। अगर तो पानी की स्पीड बहुत तेज़ है तो उसी हिसाब से एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और आटा जल्दी ज़रा बन जाएगा 1 घंटे में, लेकिन अगर पानी की स्पीड थोड़ी कम है तो वो 2 घंटे तक ले जाता है। और अगर यहाँ पे आप आएँ देखें कि बाबा जी माशाल्लाह उन्हें कोई टेंशन नहीं है, कौन उनकी चक्की पर आ गया और देख रहा है, वो अपने काम में ईमानदारी से मशगूल हैं। इस वक्त ये यहाँ पर गंदम डाली गई है, ये जो पत्थर है, हाँ इस पत्थर के बारे में बताऊँ, ये पत्थर तकरीबन 25 साल निकाल जाता है बाबा जी के बकौल, और वो कह रहे हैं कि ये हमारे बाप दादाओं से काम चलता आ रहा है। तो इस चक्की को यहाँ पर जो उम्र हो चुकी है वो तकरीबन 50 साल से ज़ायद का अर्सा हो चुका है, और ये जो चक्की है ये रिप्लेस होती रहती है। वैसे इस वक्त ये वाला जो पत्थर है इसको 11 साल हो गए हैं काम करते, बड़े अच्छे तरीके से ये घूम रही है और पुरसकून तरीके से नीचे आटा गिर रहा है, वो आटे के ढेर लगे हुए हैं। ये जो रॉड है यहाँ बाबा जी इसको निकालेंगे, अभी ये रुक जाएगा, रॉड वापस डालेंगे तो दोबारा ये चक्की चलना शुरू हो जाएगी। और ये छोटा सा जो बाबा जी ने एक मेला लगाया हुआ है पहाड़ों के दरमियान में, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। भिंबर की तहसील समाहनी अब एक तारीखी तहसील के तौर पर जानी जाती है, और तारीख में अपना नाम लिखवाने के लिए कोई ना कोई मार्का, कोई ना कोई ऐसा तारीखी वाक्या ज़रूर देखना पड़ता है जिसकी वजह से आपका नाम तारीख में रकम किया जाए। हुआ कुछ यूं कि तकरीबन आज से 4 साल पहले 2019 में 27 फरवरी बुध सुबह 10 बजे क्या होता है कि भारत फजाइया पाक फजाइया LOC के रूल्स एंड रेगुलेशन और हदबंदियों को क्रॉस करते हुए, खिलाफ वर्जियां करते हुए 2 तैयारे हमारी सरहद के पार भेजने की जसारत करती है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे फौजी जवान जब उनको ये पता चलता है कि दुश्मन ने उन्हें ललकारने की कोशिश की है तो यहाँ से हसन सद्दीकी अपने को पायलट के साथ तैयारा लेकर निकलते हैं। उसके बाद जो हमारे दुश्मन के 2 तैयारे थे उनको ज़मीन बोस किया गया, एक तैयारा तो जो था वो मकबूजा कश्मीर की हद में जाकर गिर गया, लेकिन एक तैयारा MiG-21 गिरा इस जगह पर जहां एग्जैक्टली मैं इस टाइम खड़ी हूं, और इसी वजह से इस समाहनी तहसील ने अपना नाम तारीख में रकम करवा दिया। हुआ कुछ यूँ कि जब उस तैयारे से पायलट अभिनंदन विंग कमांडर इस धरती पर आ गिरा तो यहाँ के जो मकामी लोग थे उन्होंने वतन से मोहब्बत का इजहार करते हुए उस पायलट को आ लिया, लेकिन हमारी पाक फौज इंसानियत का मुजाहरा करते हुए यहाँ पर पहुँची, उस पायलट को रेस्क्यू किया और उसको अपने साथ ले गए। रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसको बड़े अच्छे तरीके से एक मेहमान की तरह चाय पिलाई गई। वैसे तो तारीख में लोगों के नाम हुए हैं, बादशाहों के नाम हुए हैं, लेकिन ऐसे भी नाम हो जाते हैं कि चाय भी मशहूर हो जाती है। तो उस दिन से यहाँ की चाय जो है वो कहलाई जाने लगी, द टी इज फैंटास्टिक। मैं इस वक्त भिंबर की तहसील समानी के इलाके हुड़ा में एग्जैक्ट उस लोकेशन पर मौजूद हूँ जहाँ से विंग कमांडर अभिनंदन को हमारी पाक आर्मी ने गिरफ्तार किया था, और इस वक्त मेरे साथ एक मकामी सैयद शहाब अब्बास मौजूद हैं, उनसे वाकया जानेंगे, और साथ में मैं आपको बताती चलूँ कि ये सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे भी हैं तो ये अच्छी तरह हमें बता सकेंगे कि वाकई यहाँ पर वाकया क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं आप? कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपने प्रॉपरली वो वाकया अपनी आंखों से होते देखा था? जी बिल्कुल। हमने तो वीडियोस देखे थे कि कैसे जो मकामी लोग थे उन्हें एक गुस्सा आया, ज़ाहिर है दुश्मन का गुस्सा सबको होता है, कैसे ट्रीट किया था, लेकिन फिर हमारी पाक आर्मी ने रेस्क्यू किया था। तो मुझे ये बताएं कि लोगों का गुस्सा कैसा था उस वक्त? देखिए, गुस्सा बहुत ज़्यादा था क्योंकि 27 फरवरी 2019 को जब उसने लैंड किया यहाँ पे, सामने एक पहाड़ी है उस पर उसने लैंड किया पैराशूट के जरिए, और वहाँ से वो वाकया यहाँ आया तो जो यहाँ के मकामी लोग थे उन्होंने उसे घेर लिया और यहाँ वो
उसने छुपने की कोशिश की। सही। इसमें बुनियादी वजह ये थी कि जो मकबूजा कश्मीर के हालात हैं, LOC के हालात हैं, वो शायद लोगों को गुस्सा था, इस वजह से भी लोग वो जो जज्बाती हो गए और फिर वो हमारे दुश्मन मुल्क का बंदा था। ये बात भी थी, तो इस वजह से वो उनके उसके पीछे जो है वो यहाँ तक आए। और इतने में जब यहाँ लोग उन्होंने इकट्ठे होकर उसको पकड़ने की कोशिश की, तो इतने में पाकिस्तान आर्मी आ गई और उन्होंने उसे यहाँ से रेस्क्यू किया था। सही। तो पाकिस्तान आर्मी का जो यहाँ के लोग थे उनके गुस्से के सामने काबू पा लिया। लोग यहाँ के लोग आर्मी से मोहब्बत करते हैं, जो दो तीन जवान पहले पहुंचे फिर बाकी लोग आए। अच्छा, तो उन्होंने जो ही आके कहा कि आशा आप हमारा ये कह दिया इजी हो जाए, हम आ गए, तो लोगों ने उसे छोड़ दिया उसी वक्त ही और उन्होंने उसे रेस्क्यू कर लिया था। सही। तो उसके बाद फिर टी फैंटास्टिक का एक नारा चला। बिल्कुल, उसे जब यहाँ से हमारे आर्मी वाले लेके गए तो फिर उसे चाय पिलाई गई और आपको भी हम चाय पिलाएंगे क्योंकि आप हमारी मेहमान है यहाँ पे समाने में, तो जो भी अब आता है हम उसे चाय पिलाते हैं और याद दिलाते हैं कि चाय जो है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज हमें अगर देखा जाए कि दुश्मन था लेकिन उसको कितने अच्छे तरीके से हमने हम मेहमान नवाज लोग हैं, हम चाहते हैं कि जो भी आए यहाँ पे खा पी के जाए, चाय पिए और इंजॉय करे। और अगर ये यही दुश्मनी और यही दुश्मन दोबारा आने की कोशिश करे फिर क्या करें? यहाँ के लोग जो हैं उनके जो जज्बे हैं वो आज भी जवान हैं और आइंदा भी अगर इंडिया ऐसी कोई जरूरत करता है तो, चूंकि हम लोग जो है पाकिस्तान आर्मी के साथ बिल्कुल रह रहे हैं, तो यहाँ के लोगों के जज्बे जवान और आइंदा अगर कोई ऐसी जरूरत करता है तो उसे पहले भी पैगाम मिल चुका है और आइंदा भी अगर इंशाल्लाह ऐसी करेगा तो लोग पाक आर्मी के साथ खड़े होंगे। बहुत अच्छी बात, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। की ज़ेबाई इस तस्वीर में है, अगर जन्नत ज़मीं पर है तो वो कश्मीर में है। और आज मैंने भिंबर स्पेशल एपिसोड में आपको जन्नत नज़ीर कश्मीर की बहुत ढेर सारी ब्यूटी दिखा दी, लेकिन इतनी ब्यूटी दिखाने के बाद भी अभी बहुत कुछ बाकी है जो आपको दिखाना है। हमेशा की तरह ऐसे ही होता है कि हम सुबह निकलते हैं, आपको एक नया शहर, नया डिस्ट्रिक्ट दिखाते हैं, नए अंदाज में उसकी तारीख बताते हैं, उसकी यादगारें दिखाते हैं और वहाँ के लोगों से मिलवाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह शाम भी होती है और हमें वापस भी जाना होता है, लेकिन हम रुकते नहीं हैं और हर हफ्ते आपके लिए कुछ नया लेके आते हैं। लेकिन आज के एपिसोड के लिए मैं यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहूँगी। भूलिएगा मत, हमने आपके पास आते रहना है, आपके शहर की, आपके डिस्ट्रिक्ट की तारीख बताते रहना है और इस खूबसूरत पाकिस्तान को एक्सप्लोर करते रहना है। तब तक के लिए मुझे मेरी शहरनामा की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।